सामाजिक संगठन माटी मंच द्वारा झुग्गी झोपड़ियों के लिए चलाया गया आंदोलन रंग ला रहा है। माटी मंच के संयोजक अमरनाथ अग्रवाल विगत दिनों रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन पदाधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात कर उन्हें पट्टे वितरण की कार्रवाई को गति देने और पुराने पट्टों का नवीनीकरण करने और पट्टा देने का आग्रह किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की बैठक हुई। इस प्रस्ताव पर मुहर लगाकर कोरबा सहित पूरे प्रदेश के लाखों झुग्गी झोपड़ी वासियों को रहने के लिए एक छत का इंतजाम हो जाएगा। इसका सीधा लाभ गरीबों को मिलेगा। माटी मंच के संयोजक अमरनाथ अग्रवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और प्रभारी मंत्री अमर अग्रवाल की तारीफ करते हुए कहा कि दुर्ग राजनांदगांव सहित कोरबा के लिए आदेश जारी हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमको पट्टा दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास का 2.5 लाख रुपए पक्का मकान बनाने का दिया जाए, इस मांग को लेकर माटी मंच द्वारा 6 जून से लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें 11 जुलाई और 16 अगस्त को 2 रैलियां निकाली गई। छत्तीसगढ़ सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने और नगरीय निकाय मंत्री जो कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री हैं श्री अमर अग्रवाल ने माटी मंच की बातों को मानते हुए, चूंकि पट्टा वितरण में विलंब हो रहा है, उन्होंने 12 सितंबर को एक आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत 31 अगस्त 2015 के पूर्व शासकीय भूमि पर काबिज, विवाद मुक्त शासकीय भूमि पर काबिज, कोई भी व्यक्ति जिसके पास बिजली बिल की कापी हो, कोई कर की कापी हो, समिति कर की हो, संपत्ति कर की हो, कोई उसको पूर्व में अस्थायी पट्टा मिला हो या कालातीत पट्टा हो, उसे पट्टे के पहले मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की घोषणा उनके द्वारा कर दी गई है। विधानसभा सत्र में अनुमोदन भी ले लिया गया है। इसके साथ मिशन मोड पर इस कार्य को प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। मुझे लगता है आने वाले 2 दिनों सोमवार से यह कार्यवाही जिस तरह शौचालय गति से बने थे उसी गति से बनेगा। अतः हितग्राही को पैसे दिए जाएंगे, वो अपने मकान को अच्छे से बनाए, उसकी फोटो और बिल सबमिट करेगा, क्रमशः उसको पैसे मिलते जाएंगे, इस बात की व्यवस्था इसमें की गई है। और यह व्यवस्था केवल कोरबा नगर पालिक निगम, भिलाई नगर निगम और राजनांदगांव नगर निगम के लिए की गई है। मुझे खुशी है कि कोरबा के साथ साथ भिलाई और राजनांदगांव नगर निगम के लोगों का भी भला होगा। कोरबा निगम के लगभग 80,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे और उनके पक्के घर बनेंगे, वो बेजा कब्जा से पट्टाधारी कहलाकर सम्मानपूर्वक जी सकेंगे। कोरबा निगम क्षेत्र में लगभग विभिन्न औद्योगिक संस्थानों में 80,000 से ऊपर परिवार बसे हैं, उनको इस पट्टे की योजना का लाभ मिलेगा कोरबा नगर निगम में।